अभी किस तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में? देखिए, सुबह से तो उत्साह का माहौल था, लेकिन जैसे जैसे परिणाम आते गए वैसे वैसे कांग्रेस का जोश ठंडा होता गया। जज्बा जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह सतह पर दिखाई दे रहा है और अब ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बचे हुए, वो दरअसल ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम पर जगदीश जी सवाल क्यों? सुबह तो तैयारी राहुल गांधी को सेहरा बांधने की थी जीत की, लेकिन हार गए तो अब सवाल ईवीएम पर खड़े। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस का जोश बिल्कुल ठंडा नहीं। मैं सुबह भी था, अब भी हूँ और एंड तक रहूंगा भी, क्योंकि हमने देश बनाया है, हमने देश के लोगों की मदद करी है, हमारे नेता जनता के बीच में है। ईवीएम पे तो मोदी जी ने कहा था कि ईवीएम का विरोध करेंगे। मोदी ने सबसे पहले ईवीएम का विरोध करा था, जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं, अपना नाम देख के ठप्पा लगा के बोल देते हैं। कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, जुझारू नेता हैं, जो पिछले 20 साल से ऐसे मौकों पर टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। इनसे जरा पूछिए, अगर ये ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो राजस्थान में कलेक्टर एसडीएम किसके थे, छत्तीसगढ़ में एसडीएम कलेक्टर किसके थे? चुनाव आयुक्त बोला हाथ मत लगाओ इसको, आंख के इशारे से। लेकिन सवाल यह है कि सरकार आपकी राजस्थान में थी, सरकार आपके छत्तीसगढ़ में थी, वहां पर जो इलेक्शन ऑफिसर थे, एसडीएम थे, डीएम थे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, सबके सब आपके थे, फिर ऐसे में सवाल ईवीएम पर उठाएंगे तो किसी गले उतरेगा नहीं। जब तक रहेगी, विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। मैं पहले भी कहता था, गाना में भी कहीं नहीं, ये तो मोदी की देन, हम जीत गए। मधुरेंद्र, तेलंगाना में फिर क्या था इस पर मैं आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें। वसुंधरा ने कांग्रेस के रामलाल चौहान को शिकस्त दे दी है और झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर जीत गए हैं। हालांकि राज्यवर्धन सिंह राठौर वो चेहरा थे जो केंद्र से आए थे सांसद, लेकिन उसके बाद वो लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जाके मुझे लगता है उन्होंने राहत की सांस ली होगी। अजय, विद्यानगर सीट से दिया कुमारी 60,000 वोटों से जीती हैं। विधानसभा चुनाव में 60,000 वोटों का मार्जिन काफी बड़ा मार्जिन माना जाता है, क्योंकि कुल वोटर्स की संख्या बहुत कम होती है। वसुंधरा राज्य का गढ़ है, झालावाड़ की झालापाटन सीट, लगातार वो वहां से विधानसभा का चुनाव जीतती रही है, वो वहां से चुनाव जीती है। एक बार फिर रुक करते हैं रंजना का। रंजना, तो राजस्थान से शुरुआती नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, जो तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग जगहों से, जीत उनके खाते में आनी शुरू हो चुकी है। रंजना जी, बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर जम्मा रामगढ़ सीट से जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी पाल मीना, वो अभी जीत के बाद यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे और बंपर वोटों से उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो जश्न है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो एक के बाद एक करके जीत के वापस आ रहे हैं। ऐसे में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या फैक्टर रहा जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से इतनी बड़ी जीत के साथ राज्य में आगे अग्रसर हो रही है, आप इसे जानने की सीधे हम कोशिश करते हैं। एक मिनट दीजिए सर। जी, तो बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का दिन है। जीत का फैक्टर क्या रहा? जीत की बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह रही सनातन का अपमान। पिछले साल कांग्रेस थी, कहा था अशोक गहलोत अपनी पॉपुलैरिटी के बल पर जीतेंगे, क्या लगता है कि उनके दावे पर किस फैक्टर ने पारी? कांग्रेस कभी भी अपने बलबूते पे राजस्थान में चुनाव नहीं जीती है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जीती है कि अगर मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो मोदी जी तय करेंगे मैडम। चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा आगे नहीं किया। आपने देखा यूपी में मुख्यमंत्री मोदी जी ने दिया, कैसा हो गया यूपी? वो की वही चीज है राजस्थान में, आप समझ जाइए कैसा राज के ऊपर रिवायत भारी पड़ी। बिल्कुल, 5 सालों वाली रिवायत ने जिताया या वाकई नरेंद्र मोदी के चेहरे ने जिताया? वाकई नरेंद्र मोदी के चेहरे ने जिताया, हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत आगे लेके जा। चुनावी वादों का भी भारतीय जनता पार्टी ने दम भरा कि जो वादे हमने किए हैं वो अशोक गहलोत के राज को नस्तनाबूद कर, बिल्कुल नस्तनाबूद करेंगे। और मोदी जी की गारंटी आप 6 महीने के अंदर देख लेना राजस्थान कैसा आसान। क्या बदलाव देखने को मिलेंगे राज्य में? सारे बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव, आप महिलाएं, महिला का अत्याचार देखना, कितनी सुरक्षा होगी राजस्थान में, जो आज गैंगवार पनपा है राजस्थान में उसका सफाया हो जाएगा। पिछले बार के तमाम विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है। बिल्कुल, और क्या एकदम सत्ता परिवर्तन करना, एकदम सत्ता परिवर्तन नहीं, जनता को पता था
जो सनातन का हिंदुस्तान में अपमान करेगा उसको रंजना जरा पूछेगा, गहलोत सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी वो चलती रहेंगी या बंद कर दी जाएंगी? ये चीज आपने तेलंगाना में भी देख ली, ये चीज आप गहलोत सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी वो चलती रहेंगी या बंद कर दी जाएंगी? जो गहलोत सरकार अच्छी योजनाएं गहलोत सरकार की वो चालू रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छाई की तरफ ध्यान देती है, चाहे वो योजना कांग्रेस ने योजनाओं के नाम बदल दिए जाएंगे? नहीं, कोई नाम नहीं बदले जाएंगे, वो के वही नाम रहेंगे। और हमारे बीजेपी वाले तो ये तक बोलते हैं कि ये कांग्रेस ने चालू की थी, इसको धरातल पे हम लाए हैं, इसको हमने कंटिन्यूएशन में किया है। तो आप देखना वो का वही राम राज्य यूपी वाला राजस्थान में नहीं आए तो आप जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अनुराग, ये आप चंबर रामगढ़ सीट से बीजेपी के महेंद्र पाल मीना थे विधायक, जो जीत कर आए हैं और दम भर रहे हैं कि राज्य में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि गहलोत सरकार ने जो अच्छी नीतियां और योजनाएं लेकर आए थे वो बरकरार रहेगी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर का रहा था, उसने अंगना दिखाया है राज्य की अशोक गहलोत सरकार को और बीजेपी को जीत की तरफ आगे बढ़ाने में बड़ा दारोमदार इसी का रहा। ठीक है, तो रंजना हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई थी, अब राजकिरण का रुख करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए, तेलंगाना वो राज्य जहां पर एक हंसी का मौका, खुशी का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है, बाकी तीन राज्य जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक लेकर आया। राजकिरण, क्या माहौल है इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, क्या तस्वीर आप उभर कर सामने आ रही है? और हैदराबाद पैटर्न पर चुनाव लड़ा था तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने, जिसका असर भी हुआ। रेवंत रेड्डी एक बड़े चेहरे के रूप में आए, पहले टीडीपी में थे, एबीवीपी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आकर धुआंधार उन्होंने काम किया। जी हाँ, आप यहाँ कांग्रेस गांधी भवन के पास ही आप देख सकते हैं, यहाँ का पूरा जश्न का माहौल दिख रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर डीके शिवकुमार आए थे और जस्ट एक वन मिनट के पहले अंदर यहाँ पर रेवंत रेड्डी भी आए थे, दोनों का अंदर मीटिंग चल रहा है। यहाँ पर लोगों में जोश देख सकते हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर जोश में चल रहे हैं। और अभी अभी एक ब्रेकिंग मिल रहा है कि रेवंत रेड्डी कोडंगल से 30,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीता है। यहाँ पर बता, रेवंत रेड्डी दो प्लेसेस से यहाँ पर कंटेस्ट किए थे, एक है कोडंगल और एक है कामारेड्डी, जहाँ पर कामारेड्डी पे सीएम केसीआर उनके अपोनेंट थे। यहाँ पर कोडंगल में 30,000 से भी ज़्यादा वोटों से रेवंत रेड्डी ने जीता। जिस तरह का यहाँ पर गांधी भवन, हैदराबाद के गांधी भवन का जश्न का माहौल दिख रहा है, यहाँ पर अभी तक 65 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है, 38 सीटों से टीआरएस है। और यहाँ पर राजकिरण, हम अपने सहयोगी विकास चंद्र का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने लगातार तेलंगाना की पॉलिटिक्स को कवर किया है, क्या मुस्लिम अपीजमेंट केसीआर के लिए बड़ी मुश्किल साबित हुआ? मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% से बढ़ाकर 12% कर देंगे, मुसलमानों के लिए अलग से आईटी पार्क बनाएंगे, क्या ये एक बड़ा फैक्टर रहा? नहीं, यहाँ पर मुस्लिम वोट यहाँ पर तेलंगाना में खास तौर पर अभी देखा गया तो ज़्यादातर मुस्लिम वोट कांग्रेस के तरफ पलट गया है, क्योंकि जब एमआईएम की बात होती थी हैदराबाद में, एमआईएम की अपनी एक अलग सेपरेट छवि यहाँ पर थी, वहाँ पर एमआईएम में जो 7 सीट हमेशा पिछले 20 सालों से यहाँ पर जीतते हुए आ रहे हैं, वो 7 सीटों में से अभी सिर्फ 4 सीटों पर वो लोग आगे हैं, 3 सीटों पर एमआईएम पीछे है। खास तौर पर नामपेली, याकुतपुरा, ये 2 सीट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिर रहा है, मुस्लिम वोट ज़्यादातर कांग्रेस को मिलने के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी ओवैसी ने खास तौर पर किया है, मुस्लिम को अपील किया है कि जहाँ पर भी एमआईएम नहीं कड़ा है उस जगह पर बीआरएस को वोट देने के लिए। पर जहाँ पर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे देखा गया तो जहाँ पर एमआईएम नहीं कड़ा है वहाँ पर कांग्रेस को वो मुस्लिम वोट टर्न हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ बड़ी डेवलपमेंट है। तेलंगाना में मुस्लिम एक सेपरेट कैडर बन चुका है कांग्रेस जी। जी बिल्कुल, राजकिरण जिस तरह से बता रहे थे अनुराग, और भी कई सारे फैक्टर हैं तेलंगाना में जो काम आए, एक ही परिवार की राजनीति का चलना, मनमानी का चलना, फार्म हाउस से सरकार का चलना, ना कि सचिवालय जाते थे केसीआर, जो कि बड़ा आरोप हमेशा से लगता है। हालांकि केसीआर के जो सबसे करीबी वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी, वो पहुँच गए रेवंत रेड्डी के पास गुलदस्ता भेंट करने के लिए।